हाथ में पीले रंग का थैला लिए यह है 37 साल का अर्जुन शर्मा। इसके हाथ में जो थैला है, जब आप उसके अंदर की सच्चाई जानेंगे तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस थैले के अंदर इसकी बीवी का कटा हुआ सिर है। हालांकि हम आपको वो तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस कत्ल के पीछे की जो सच्चाई है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है 37 साल के अर्जुन शर्मा की, जिसके हाथ में थैला है, और दूसरी तस्वीर है ये पूजा देवी की। असल में सोमवार 16 सितंबर को पुलिस को एक खबर मिलती है कि 37 साल के अर्जुन शर्मा ने अपनी 35 साल की बीवी पूजा का मर्डर कर दिया है। यहाँ तक तो पुलिस को अभी तक, जब ये पुलिस को ये बात पता चली तो शुरुआत में उन्हें भी लगा होगा कि एक मर्डर का आम किस्सा होगा, लेकिन जब पुलिस को आगे की जानकारी हुई, पूरे मामले का पता चला, तो उनके भी हाथ पांव फूल गए होंगे। दरअसल पुलिस को पता लगा कि सोमवार की सुबह 7 बजे श्रीनगर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि पोखरिया के वार्ड 2 के रहने वाले अर्जुन शर्मा ने अपनी पत्नी पूजा देवी, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी हत्या कर दी है। धारदार दबिया से गर्दन काट कर सिर को अलग कर दिया है और उसको लेकर वो सड़कों पर घूम रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए दबिया को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। लेकिन अब इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि अर्जुन ने अपनी बीवी के कत्ल के बाद उसको उसके सिर को बाकायदा थैले में डाला और उस थैले को कटे हुए सिर के साथ लेकर वो घूमता रहा। दरअसल आरोपी अर्जुन हाथ में एक झोला लेकर थाने की तरफ आ रहा था। झोले से खून टपक रहा होता है। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने उसे रोका। फिर झोले में उसने पुलिसकर्मी ने पूछा कि ये कहाँ है, कहाँ लेके जा रहे हो, उसमें से खून क्यों टपक रहा है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब पुलिस वाले ने झोले के अंदर झांका, देखा तो पता चलता है कि उसमें कटा हुआ सिर है, जिसे देखकर सब दंग रह गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या क्यों की, जब ये वजह बताई तो वो थी अवैध संबंध। इसके बाद कटे हुए सिर के साथ उसे उठाने ले जाया गया। इस दौरान वो सिर को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। ग्रामीणों के मुताबिक महिला के 3 बेटे भी हैं। वैसे ये पूरी वारदात बिहार के मधेपुरा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पोखरिया टोला वार्ड संख्या 2 की है। इस हत्याकांड की जो वजह बनी वो थी अवैध संबंध, क्योंकि अर्जुन को ये लग रहा था कि पूजा का किसी और से नाजायज रिश्ता है। दरअसल इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर काफ़ी वक्त से झगड़ा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर इसी बात को लेकर थोड़ा सा शक जाहिर करते थे। खासतौर से अर्जुन अपनी बीवी पूजा के ऊपर शक जाहिर करता था। उसे लगता था कि पूजा का किसी और से नाजायज़ रिश्ता है और उसके पीठ पीछे वो किसी शख्स से मिल रही है। इसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में झगड़ा आए दिन होता रहता था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये झगड़ा एक दिन इतना बढ़ जाएगा और अर्जुन के सिर पर शैतान इस हद तक सवार हो जाएगा कि जिस महिला के साथ उसने सात फेरे लिए थे, जिस महिला के साथ उसने ज़िंदगी भर उसका साथ निभाने का वादा किया था, उसकी अच्छे बुरे वक्त में हिफाजत करने की कसम खाई थी, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देने का वादा किया था, बीमारी में खुशहाली में हर तरह से उसका सपोर्ट करने की बात कही थी, वही पति अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कर देगा। किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, यहाँ तक कि शायद पूजा ने भी कभी नहीं सोचा होगा। जब वो उसकी अर्जुन उसकी मांग भर रहा होगा, जब वो लोग शादी कर रहे होंगे, जब इन लोगों के पहला बेटा हुआ होगा, दूसरा बेटा हुआ होगा, जब इनके घर में खुशियाँ आई होंगी, इनको भनक भी नहीं होगी, अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब जो शख्स प्यार करने का दावा कर रहा है, जो पति है, वही शख्स अपने हाथों से अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या ना सिर्फ करेगा बल्कि उसके कटे हुए सिर को थैले में डालकर पुलिस स्टेशन तक लेकर जाएगा। बल्कि रास्ते में जब पुलिस ने इसे पकड़ा और पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश करी, इसे पकड़ने की कोशिश करी, तब भी ये सिर को पकड़ा रहा, बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं थाने में जाकर ही आपको सरेंडर करूंगा और वहीं पर ये सिर भी आपको वहीं दूंगा। लेकिन पुलिस ने इसे पकड़कर इसे गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर सच में जो वजह है कत्ल की वो अवैध संबंध ही है या फिर कोई और वजह है जिस वजह से अर्जुन ने अपनी पत्नी की हत्या की है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक और शादी का रिश्ता, एक और हस्बैंड वाइफ की कहानी अवैध संबंध की वजह से
खूनी बलि चढ़ गई। इस तरीके के स्टोरीज के ऊपर अवैध संबंध जो बना लोग रखते हैं अपनी पत्नी को या फिर हस्बैंड को लोग जो धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।